और परमेश्वर ने हम सबको प्यार करके अपना एकलौता पुत्र यीशु को भेजा है, क्योंकि हम लोग ने पाप में था, जो कि पाप में था, और पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है 2000 साल पहले। जो कोई भी उसको विश्वास करेगा वो बचेगा, वो अनंत जीवन को, स्वर्ग का रास्ता यीशु ही है। जॉन 14:6 में बोलता है, बाइबल में जॉन 14:6 में बोलता है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। अगर उसको जो कोई भी विश्वास करेगा उसको जो है बचाया जाएगा, और जो कोई भी उसको तिरस्कार करेगा, इनकार करेगा, उसको दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल में जॉन 3:16-17 में बोलता है कि जो कोई भी उसको इनकार करेगा, क्योंकि उसको पिता परमेश्वर ने भेजा है कि उसको अब बचने के लिए, अपना पाप से उधार पाने के लिए यीशु का द्वारा से ही उधार पाएगा। यीशु के द्वारा से ही आप स्वर्ग जाने मिलेगा, यीशु के द्वारा से ही अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जो परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जो परमेश्वर आप और मेरे लिए रखा है, वो अनंत जीवन है। इस धरती पर भी हम मिलेगा, और जब स्वर्ग जाएगा तब मिलेगा। वो अनंत जीवन को पाने के लिए हमको यीशु को विश्वास करना है। आमीन। यीशु को विश्वास करेगा तभी वो अनंत जीवन को हम प्राप्त करेगा। तो जो कोई उसको विश्वास करेगा बचाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हम सबको, इंसान को अपना स्वरूप में बनाया है। आप और हम लोग परमेश्वर का स्वरूप है, जो क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जो दुनिया को बनाया है, सब जो कि मानव जाति को जो रचा है, वो परमेश्वर जो हम सबको प्यार करके अपना एकलौता पुत्रों को भेजा है। और वो जो कोई भी उसको विश्वास करेगा, जो कोई उसको ग्रहण करेगा, जॉन 1:12 में बोलता है कि उसको परमेश्वर का बेटी, परमेश्वर का बेटा बनाया जाएगा। जो कोई भी उसको रिसीव करेगा, जो कोई भी उसको एक्सेप्ट करेगा, जो कोई उसको विश्वास करेगा, जो कोई उसको भरोसा करेगा, उसको परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी के लिए स्वीकार किया जाएगा। आत्मा में एक नया जन्म होगा। कि हम जब एक बाइबल में बोलता है जॉन का 3:3 में, अपना माँ का पेट से जो पाप में जन्म हुआ है, बल्कि बाइबल में लिखा है, बाइबल सेज दैट वी आर बोर्न विद सिन, हमारा पाप के साथ में अपना माँ का कोख से निकला है। और इसलिए और एक बार नया जन्म होना जरूरी है, बोर्न अगेन होना जरूरी है। नया जन्म होने के लिए यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह को जो रिसीव करेगा, उसको नया जन्म होगा। जब तक यीशु मसीह को हम लोग विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर का पुत्र की सन ऑफ गॉड कि उसको भेजा गया, कि उसको जब रिसीव नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा, हम लोग नया जन्म नहीं होगा, हम लोग स्वर्ग जाने के लिए चांस नहीं है। जॉन 3:3 भी बोलते हैं हम परमेश्वर का राज को देखेगा नहीं, बोला है जॉन 3:5 परमेश्वर का राज में हम घुसने नहीं सकेगा, क्योंकि नया जन्म जरूरी है, क्योंकि पिता परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह भी आत्मा है, शैतान भी आत्मा है, और उस परमेश्वर का आत्मा जो कि वो है, इंसान के द्वारा जन्म नहीं होता है, हमारा अंदर में परमेश्वर का, हमारा अंदर में नया जन्म जरूरी है, ताकि हमको इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन जो परमेश्वर रखा उसको अचीव करने के लिए। कि नया जन्म जरूरी है, कि नया जन्म होना जरूरी है कि वो आप जो स्वर्ग राज को देखेगा, नया जन्म जरूरी है कि आप स्वर्ग राज पर एंट्री करेगा, घुसेगा। और वो किसका द्वारा? सल्वेशन, उद्धार यीशु मसीह का द्वारा से होगा। और बाइबल में डिक्लेयर किया कि यीशु मसीह के द्वारा से आपको उधार पाएगा, सल्वेशन इज थ्रू क्राइस्ट, कि यीशु पर विश्वास करते हुए आपको उधार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जी।